गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु दैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडीपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज एक विशेष तिथि है, आज तीन तीन तिथियां हैं, मानो गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों एक साथ हुए हैं। ये प्रयाग है, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिले वो प्रयाग है। हाँ, कहते प्रयाग में स्नान करने का जो फल है उससे ज्यादा महत्व है। अगर ये सत्संग रूपी गंगा में अगर हम स्नान करेंगे तो इसलिए आज एकादशी युक्त द्वादशी है। आज हमारे श्री वामन देव जी का आज आविर्भाव तिथि भी है, आज श्री लजीव गोस्वामी का भी आज श्री आविर्भाव तिथि है। इसलिए तीन तीन तिथि एक साथ में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्रील महाराज जी एकादशी का विषय पर बोल रहे थे। कहते हमारे जो भक्ति है ये एक बहुत बड़ा साइंस है। साधारण लोग शायद ये समझते हैं ये भक्ति तो केवल मन की एक भावना है। इसमें क्या है, ये मन की एक भावना है, ये साधु संत लोग वो ऐसे मनगढ़ंत से बना दिया। कहते नहीं, हमारे जितने वैष्णव लोग है हाँ ये लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट है। देखो आप लोगों का हृदय को ये कथा को ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं। अगर कोई कभी कोई बोले अरे क्या इसको तिलक लगा लिया, क्या गला में कंठी मार लिया, और क्या सब हरिनाम कर रहे हो, क्या सब कीर्तन कर रहे हो, हाँ कोई कोई आपको बोल सकते हैं ये सब क्या, लेकिन कहते नहीं ये सबके सब ये बहुत बड़ा साइंस ही है सबके सब। इसलिए कहते ये भक्ति हमारी ये एक बहुत बड़ा ये साइंस ही है। हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का जैसे साइंटिस्ट नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो, हम चाहते सबके सब प्रचार करें इस चीज को। अभी का जैसे साइंटिस्ट नहीं, अभी देखो एक साइंटिस्ट ही आता है वो एक फिलोसफी को स्थापन करता है। अब देखिएगा दूसरा साइंटिस्ट आता है वो सारे उसको फिलोसफी को संपूर्ण खत्म कर देता है, पूरा काट देता है, सारे फिलोसफी को काट देता है। इसलिए बच्चों का स्कूल का पुस्तक भी बदलती है। बोले क्यों, बोले एक साइंटिस्ट ने एक कहा था, दूसरा साइंटिस्ट आया पूरा उन्होंने गलत रूप में स्थापन कर दिया, ये गलत बोल कर गया है। लेकिन हमारा वेद हमारा गीता हमारा भागवत हमारा उपनिषद एक अक्षर भी अभी तक किसी ने उसको काट नहीं सके, क्योंकि उन लोगों ने कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सु विलोकयंत। उन लोगों ने प्रेम रूपी अंजन को द्वारा जब हृदय संपूर्ण शुद्ध सत्व हो जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, वो निर्मल हृदय में जब प्रभु का दिव्य रूप को जो दर्शन करते वो चीज को ये भक्त लोगों ने बताया। सुखदेव गोस्वामी व्यास देव नारद जी पराशर हाँ इन लोगों ने इस बात को बताई एकदम शुद्ध। ये सचमुच से ये लोग बड़े बड़े सबके सब साइंटिस्ट इन लोगों ने थे।
इसलिए जो चीज उन लोगों ने रखा है हमारा भक्ति जगत में केवल एक भावनात्मक नहीं, वो दो दृष्टिकोण से उन लोगों ने सब चीज को रखा। एक दृष्टिकोण तो शरीर का भी अच्छा हो और हमारे मन को शांति भी मिले, आत्मा की कल्याण हो। दो दृष्टिकोण से आत्म कल्याण हो, उसको साथ साथ में हमारे शरीर का भी कल्याण हो। जैसे अभी बता है एकादशी, क्यों ये सब एकादशी को रखे, कारण क्या था, तो उसके लिए उदाहरण देते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं जैसे यहाँ पर जैसे आप लोग काम करते हो, हाँ काम करते हो, सप्ताह में दो दिन छुट्टी रहता कि नहीं, शनिवार इतवार दो दिन छुट्टी रहता है। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको भी दो दिन छुट्टी रहता है, शनिवार और इतवार दो दिन छुट्टी रहता है। बोले क्यों छुट्टी का क्या जरूरत है, बच्चों का क्या जरूरत हो, क्योंकि सात दिन ही पढ़े ना, पढ़ाई के लिए ना सात दिन पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ाई अच्छा होगा सात दिन। बोले नहीं, अगर सात दिन पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, इसलिए नियम रखा पांच दिन बाद में उसको दो दिन उसके लिए रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने पर ब्रेन को विश्राम मिलता, फिर सोमवार से फिर अच्छे तरह से अपना पढ़ाई करते हैं। हाँ, उसी तरह कोई भी मशीन हो, अगर कंटिन्यू मशीन अगर काम करे फिर मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगर बीच बीच में उसको रेस्ट दे करके मशीन को चलाया जाए तो वो मशीन ज्यादा दिन ये काम करता है। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों को पता ये शरीर भी एक मशीन है। हाँ, इसको अगर 15 दिन में एक दिन उसको रेस्ट दिया जाए, विश्राम दिया जाए, फिर क्या होगा, फिर वो दूसरे दिन से फिर अच्छे तरह से काम करेगा। अभी प्रश्न है, देखो ये चीज को गुरुजी ने सब क्लास दिया है, इसलिए आप लोग अच्छे तरह से प्रचार करना क्यों हम एकादशी व्रत रखते हैं। हाँ, अभी प्रश्न है अगर ये शरीर को विश्राम देना तो हम एकादशी को ही क्यों विश्राम दे, और भी तो कहीं दूसरे दिन विश्राम दे सकते थे, लेकिन एकादशी का दिन ही हम क्यों व्रत रखे और दूसरे दिन क्यों हम व्रत नहीं रखते हैं, ये प्रश्न आता है। तो महाराज जी जो बता रहे थे, आप देखा होंगे समुद्र में एक हाई टाइट होता है, हाई टाइट आप देखिएगा क्यों होता है, कहते ये चंद्रमा का जो प्रभाव है ये पानी के ऊपर पड़ता है, ये चंद्रमा का प्रभाव से ही ये हाई टाइट। आप लोग देखिएगा एकादशी से ही हाँ धीरे धीरे पानी उफनता है, बढ़ता है, और पूर्णिमा का दिन जिनका घर समुद्र के पास में देखना पानी बहुत बढ़ता है, और उसको जो लहरियां आती हैं इतने बड़ी बड़ी लहरियां आती हैं पूर्णिमा का दिन, क्योंकि चंद्र पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र होता है, उसका ज्यादा अफेक्ट ये पानी में पड़ता है। हाँ, इसलिए फिर पूर्णिमा के बाद में अब देखिएगा प्रथमा द्वितीय होगा ना, फिर धीरे 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 कम अपने आप कम हो जाता है। हाँ, इसलिए कहते हमारा शरीर के ऊपर में ये चंद्रमा का अफेक्ट पड़ता है। बोले जो शरीर है पांच चीज के द्वारा बना हुआ, पांच चीज बोले क्या, बोले खेती आग तेज मरुत और बम, मतलब मिट्टी वायु आकाश जल। हाँ, ये हवा दे करके पांच चीज के द्वारा हमारा शरीर ये बना हुआ है, लेकिन ये पांच चीज में जो बना हुआ है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज है, क्या चीज है बताओ, ये पांच चीज में हाँ हाँ पानी, इसमें पानी समझो 75% इसमें पानी है, नहीं तो 80% इसमें पानी है। हाँ, और केवल 20-25% अगर निकालोगे दूसरी चीज निकलेगा, पानी ज्यादा शरीर में, इसलिए पानी ज्यादा होने का नाते ये शरीर के ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब अक्सर करके देखिएगा जिनको कमर में घुटन में दर्द होगा, दर्द होगा, अब देखिएगा वो एकादशी का दिन थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, फिर द्वादशी के दिन ज्यादा बढ़ेगा, अब पूर्णिमा को इतने दर्द करेगा अब सो नहीं सकते, इतने दर्द करता क्योंकि चंद्रमा का आकर्षण होता है। आप हॉस्पिटल में जाओ, आप देखिएगा ज्यादा बीमारी हॉस्पिटल में जो रोगी, आप देखिएगा एकादशी से पूर्णिमा के दिन ज्यादा रोगी हॉस्पिटल में जाते हैं। आप क्रेमेटेरियन में जाओ जहां आदमी मरते हैं, आप देखिएगा वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा लोगों को मरते हुए आप देखोगे, क्योंकि चंद्रमा का आकर्षण से शरीर के ऊपर में प्रभाव बढ़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोले
एकादशी का दिन हाँ अगर निर्जला करे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए जो प्रभुपाद ने देखा ये लोग इतना निर्जला नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा उनने फलाहार के लिए व्यवस्था रख दिया, अन्न के लिए मना कर दिया। ऐसी चीज लेनी चाहिए जो आसानी से पेट में हजम हो जाए, इसलिए कुछ उन्होंने लेने के लिए ये रखा। अगर कोई निर्जला रख सकते हैं इधर वो तो बहुत अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, वहां पर बताया एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं, बोले गोहत्या नरहत्या च ब्रह्म हत्या अधिकानी च, बोले एकादशी का दिन अन्न में नरहत्या, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, कत पांच जो हत्या है सबसे ज्यादा मारात्मक बताया, सबसे ज्यादा खतरा बताया। कत उसी दिन ये अन्न में, ये सारे अन्न में आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो ये अन्न ग्रहण करेंगे उसको शरीर में सारे पाप को प्रवेश करता है, और ये पाप से ही जो बीमारी है पाप से होता है। जैसे देखो, जैसे टेरामाइसिन, क्रोसिन, दवा का नाम है ना, दवा का नाम क्या लगा, सीन, सीन, बहुत सारी दवा का नाम देखिएगा, टेरामाइसिन, क्रोसिन और क्या क्या दवा का नाम देखिएगा, हाँ ये सब सीन सीन शब्द है। दिस इज वेरी साइंटिफिकल रीजन, यू नो, सीन सीन शब्द है। बोले क्यों ये सब बीमारी होता है, बोले कारण है एकादशी का दिन अन्न भोजन करते हैं, क्योंकि एकादशी दिन अन्न में ये सारे पाप का निवास है, इसलिए दवा का नाम भी सीन सीन रखा। हाँ इसलिए ये सब साइंस भक्त लोग चीज को निकाले हैं सबके सब, इसलिए पाप का फल है ये बीमारी है। इसलिए अगर हम शास्त्र के अनुरूप अगर हम अपना जीविका निर्वाह करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो हमारी सब बीमारी रोग नहीं होगा, और फिर हमारा बुद्धि विशेष करके भगवान के चरण में लगेगी। लेकिन विशेष करके सबको तो करनी चाहिए, मतलब अष्टाधिक अष्टावर्षाधिक पूर्ण आशीत स्थिति वत्सर, मतलब 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी व्रत रखनी चाहिए। हाँ इसलिए विशेष करके विधवाओं के लिए क्यों बताए, सबको तो करना ही है, लेकिन विशेष करके विधवाओं के लिए क्यों बताया गया, मतलब कारण है कहते शरीर में रस होने पर शरीर में जो काम उत्तेजना बढ़ता है, काम का भावना आती है। लेकिन एकादशी के दिन अगर कोई भोजन नहीं करे, रस कब होगा, जब खाएंगे, नहीं खाएंगे तो रस नहीं होगा, और रस नहीं होगा तो शरीर में काम की उत्तेजना ये उनको कष्ट नहीं दे सकता है, सताया नहीं जा सकता है। इसलिए विशेष करके उनके लिए ये विधान, उनके लिए विशेष करके बताए। इसलिए जो एकादशी मतलब है 11, दशमी एकादशी, एकादशी मतलब होता है 11। इसलिए बोले हमारा जो इंद्रिया है ये 11 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और इनका जो अधिष्ठात्री देवता है ये मन, हाँ इसलिए मन इसको लेकर के क्या हो गया 11 इंद्रिया है। इसलिए अभी बता रहे थे ना महाराज, ये जो तिथि है, बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर बारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनु बोला। इसलिए हमारे भारत में जानते हो कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार, कोई बृहस्पति, कोई शुक्र, सब बार को कोई पालन करते हैं, एक एक अलग है। लेकिन ये माधव तिथि कहते जो एकादशी क्या है, बोले माधव तिथि है, हाँ माधव मतलब भगवान, कहते ये तिथि साक्षात भगवान की तिथि है, कहते ये तिथि को कोई पालन करने पर और कोई तिथि करने का जरूरत नहीं, सो मंगल सारा दुनिया, कहते कोई बार व्रत रखने का कोई जरूरत नहीं, एकादशी व्रत रखने पर सारे व्रत, क्योंकि भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, सारा दुनिया है, जब हम इनकी व्रत रख लेते हैं सभी का व्रत अपनी आप रखना हो जाता है। इसलिए माधव तिथि बोले ये क्या, बोले भक्ति जननी, इस तिथि को क्या बताया, बोले भक्ति का ये माँ है, जैसे कि माँ बच्चे को लालन पालन करती है, जन्म देती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, बड़ी करती है, कहते भक्ति को भी बढ़ाने वाले, भक्ति को पुष्ट करने वाले, भगवान को पास में ले जाने वाले कौन है, श्री एकादशी व्रत। हाँ
इसलिए वैष्णव लोग कोई बार व्रत नहीं रखते हैं, केवल एक एकादशी व्रत को रखते हैं। भागवत में देखो कोई बार व्रत नहीं आता है, केवल अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे, मैया जसोदा नंद बाबा एकादशी व्रत रखते थे, केवल ये एकादशी का कथा केवल भागवत का थी और कोई बार व्रत नाम भागवत है नहीं। इसलिए ये भक्ति जननी, ये भक्ति की माँ है, उसको क्या करनी चाहिए, बोले जतन पालन करी। एकादशी व्रत को जतने से पालन करनी चाहिए। बोले जतने से क्या पालन करेंगे, क्या जतने से पालन करेंगे, बोले जो एकादश जो इंद्रियां हैं इसका जो अधिष्ठात्र देवता भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, भगवान का नाम, और इंद्रिया इसको संस्कृत भाषा में बोले ऋषिक। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, वो कीर्तन में कहते हैं बोले तुम्हें ऋषिकेश ऋषि को दमिया तारह संस्कृति गोरे गोपीनाथ मम निवेदन सुन। इसलिए भक्तमन ठाकुर कह रहे हैं बोले तुम्हें ऋषि कैसे, बोले हे प्रभु आप ये इंद्रिय का मालिक है आप हो, और ऋषि के मतलब ये इंद्रियां हैं, हाँ, इसलिए अगर ये इंद्रियों को क्या करनी चाहिए, बोले ऋषि को ऋषिकेश की सेवा में लगानी चाहिए, हाँ, भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। इसलिए जैसे श्री अम्बरीश महाराज जैसे एकादशी व्रत कैसे पालन करते थे, इसलिए वहां पर उनके संपूर्ण जीवन आता है कैसे एकादश इंद्रियों को संपूर्ण भगवत सेवा में लगा कर रखते। बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंद, मन को कहाँ लगाए करते थे, बोले मन को मनमोहन की सेवा में, मनमोहन के चिंतन में, नहीं तो ये मन को भले ही विश्व ब्रह्मांड में जो दो वो कभी मन भरता नहीं। हम बोलते ना कमाई करो कमाई, कमाई मतलब कमाई ज्यादा आनी चाहिए, ये मन किसी चीज पा करके भी कभी खुश नहीं होता है, लेकिन अगर ये मन को मनमोहन के चरण में लगा तो बस खुश हो जाएगा। इसे सबई मन कृष्ण पदार बिंद, बोले बाचांसी, बोले वाणी के क्या करते थे, बोले वैकुंठ गुणानुवर्णन, भगवान की गुण कीर्तन में लगाया करते थे, और करो बोले हाथों को बोले हरीर मंदिर मार्जनादिशु, इतने बड़े राजा हाँ होकर करते थे क्या, इतने बड़े राजा होकर के भगवान की मंदिर मार्जन करते थे। बोले श्रुति च, बोले कानों से बोले भगवान की कथा सुनते थे, और सिर को बोले भगवान का चरण में, भक्तों के चरण में नतमस्तक करते थे, बोले प्यार को बोले भगवान के धाम की परिक्रमा तुलसी परिक्रमा करते थे। इसलिए एकादशी का दिन विशेष करके आज का दिन हम जितने साधन भजन करते हैं उससे थोड़ा हमें ज्यादा करनी चाहिए साधन भजन। प्रभुपाद का समय तो ऐसे करते थे पूरा रात भर जगते थे, हरिनाम करते थे, कीर्तन करते थे, हाँ, इसलिए ये एकादशी मतलब एकादशी इंद्रियों को जब हम भगवान को सेवा में लगा देंगे बस बड़ा पार, हमारी बड़ा पार। इसलिए हमारे पुराण में बहुत बहुत एकादशी का महिमा, इसलिए आज एकादशी है और आज श्री जीव गोस्वामी का आज जन्म तिथि है, आविर्भाव तिथि है। इसलिए कहते हैं हमारे संप्रदाय में जो जीव गोस्वामी है, बोले कौन है, तब हमारे भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं कबे जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले घुचाई बेतर का नल चीत जाहे जोले। तो महाप्रभु अलग अलग भक्तों के द्वारा उन्होंने अपना एक एक अभिष्ट को उन्होंने स्थापन किया, अलग अलग एक आचार्यों के द्वारा, कहते जीव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने क्या अभिष्ट स्थापन किया, कहते वहां हमारे संप्रदाय का कौन है, बोले जीव गोस्वामी हमारा संप्रदाय का ये तत्वाचार्य है, तत्व का आचार्य है। बोले तत्व से क्या होता है, तब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बोले सिद्धांत बोलिया चीते ना कर अलस जहा है ते कृष्ण लागे श्रोधिड़ मानस। इसलिए सिद्धांत बोले अरे इतना कौन दिमाग में घुसाता है, जरूरत नहीं जो ग्रंथ कल माला हरे कृष्ण नहीं नहीं। इसलिए जो जितने इस सिद्धांतों को जानता है, तत्व दर्शनों को जानता है, उसका मन भक्ति में उतना ही फिक्स है। अगर तत्व दर्शन नहीं जानते हो
किसी साधु के पास में चला गया, हरे भगवान निराकार निर्विशेष ब्रह्म, कोई बोलता है परमात्मा, कोई बोलता है सांख्य कपिल का, अलग 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 मतवाद सब दुनिया में। हाँ, फिर हम क्या होगा, दूसरे का बात सुनेंगे, फिर अपना गुरु वर्ग का प्रति, अपना महाप्रभु का प्रति, अपना भक्ति का प्रति हमारा श्रद्धा कम हो जाएगा। बोला हाँ, ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि हम स्वयं ये चीज में प्रतिष्ठित नहीं है, हम अपना सिद्धांत तत्व दर्शन को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा दिमाग चकराता है। लेकिन अगर अपना संप्रदाय के विचार, हमारा गोस्वामी का विचार, हमारा गीता भागवत का विचार अगर हमें ठोस पता है, हमारा दिमाग को कोई बदला नहीं सकते हैं। जिसका दिमाग सही नहीं, फिर उसका दिमाग घूमता रहता है, आज वो दल में घुस जाएगा, कल उसी दल में घुस जाएगा, कल उसी दल में घुस जाएगा। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो सिद्धांत है, तत्व है, एकदम पक्के करके समझो, अपना संप्रदाय का विचार, महाप्रभु ने क्या विचार दिया। इसलिए श्री जीव गोस्वामी 1960 संदर्भ उन्होंने प्रकट किया है, 6 संदर्भ है, जिसको एक तत्व संदर्भ है, कृष्ण संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ है, भागवत संदर्भ है, और कहते श्री प्रीति संदर्भ है। कहते उन्होंने 6 संदर्भ को उन्होंने प्रकट किया है, प्रकट करके उसमें 3 चीज को उन्होंने स्थापन किया है, मतलब एक संबंध है, एक अभिधेय है और एक प्रयोजन है, 3 चीज को। इसका मतलब है कृष्ण को साथ में हमारा क्या नाता है, क्या संबंध है, हाँ, ये चीज को उन्होंने एक संदर्भ का स्थापन किया, मतलब 4 संदर्भ में हमको क्या करनी चाहिए। यद्यपि मार्ग अलग अलग मार्ग है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, अलग अलग मार्ग, लेकिन हमको कौन सा मार्ग में चलना है, हाँ, इसलिए उन्होंने भक्ति संदर्भ के द्वारा उन्होंने अभिधेय मतलब साधन हमारी भक्ति, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, हमको भगवान का भक्ति मार्ग पर हम चलना है, हाँ? और एक प्रीति संदर्भ के द्वारा उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य किया है, हम जो साधन कर रहे हैं किसके लिए हम साधन कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये प्रीति संदर्भ में कहा भगवत प्रेम ही हमारा प्रयोजन है, केवल भगवत प्रेम के लिए ही हम साधन कर रहे हैं। ये जो 6 संदर्भ है अद्भुत है, आप ये ग्रंथों को पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे, उन्होंने क्या सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया। हाँ, कहते ये कौन है जीव गोस्वामी, कहते ये गोलोक वृंदावन की विलास मंजरी है, हाँ, ये विलास मंदिर राधा रानी की अत्यंत प्रिय ये सखी है, हाँ, इसलिए हम क्या करने पर वो गोलोक वृंदावन में हम राधा रानी की सखी पद को, राधा रानी के हम सेविका बन सकते हैं। फिर उन्होंने ये चीज को उन्होंने दर्शाया था, इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने क्या नाम रखे, बल इनका नाम रखते हैं श्री जीव गोस्वामी। बोले जीव मतलब क्या है, बोले जीव का बहुत सारे अर्थ बताए, इसलिए महाप्रभु का जितने भक्त है उनका जब नाम आप सुनोगे, नाम और काम एक ही देखोगे, जैसे रूप गोस्वामी, बोले वो कौन है, बोले श्री महाप्रभु का रूप है, राधा रानी के रूप है, हल सखियों का रूप है, इसलिए सभी का इच्छा को उन्होंने ग्रंथ में प्रकाशित किया। बोले सनातन गोस्वामी कौन है, बोले जीव का जो सनातन धर्म, हाँ, जीव का जो धर्म सनातन धर्म है, उन्हें सनातन धर्म को उन्हें स्थापन करते हैं, इसलिए इनका नाम श्री जीव है। बोले जीव मतलब क्या, बोले जीव मतलब होता है, बोले जीव यति इति जीव, मतलब जीव को जो जीवन प्रदान करते हैं, जीव को जो जीवन जीवन प्रदान करते ये जीव है, इसलिए मतलब जीव जीवस्य जीवनम, मतलब जो जीव है, जीव का ये जीवन है, ये जीव अजीव का और अर्थ, मतलब जीव पालने पोषण च, जिन्होंने भक्ति को द्वारा, जिन्होंने सिद्धांत को द्वारा जीव का भरण पोषण किया है, लालन पालन किया है, कहते ये जीव है, हाँ? इसलिए जीव गोस्वामी जो 60 संदर्भ स्थापन किया है, उदाहरण दिया, कहा जो श्रीमद् भागवत है ये एक सुंदर महल है, सुंदर महल, अभी ये भागवत रूपी महल में प्रवेश कैसे करेंगे, मतलब उसका डोर क्या है, मतलब उसका जो डोर है ये 6 संदर्भ इसका डोर है, हाँ, यही दरवाजा है, जिसको दरवाजे का द्वारा हम प्रवेश करेंगे तो फिर भागवत का
असली रहस्य को हम समझ सकते हैं, नहीं तो भागवत नहीं समझ सकते हैं। इनके ग्रंथ के पढ़े बगैर भागवत में पढ़ करके तरह तरह का आपके मन में शंका आएगी, उस शंका को दूर श्री जीव गोस्वामी ने सारे शंका को प्रश्नों को उठा उठा करके उन्होंने सारे शंकाओं को उन्होंने दूर किया है श्री जीव गोस्वामी। हाँ, इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी कहते इन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ हमारा संप्रदाय में दिया है। बता सकते हो कौन सा ग्रंथ? उन्होंने श्री गोपाल चंपू एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, अद्भुत है। देखो अभी तक कोई कृष्ण लीला के ऊपर में, केवल भागवत में ही आप कृष्ण की कथा आप सुनोगे। हाँ, जिसको व्यास देव जी ने जैसे कृष्ण लीला को उन्होंने वर्णन किया है, और उन्होंने दूसरे पुराण में जैसे पद्म पुराण में और स्कंध और दूसरे दूसरे पुराण में कहीं व्यास देव जी का आप कहीं भगवान कृष्ण की कथा सुनोगे, लेकिन कृष्ण की नई कथा को उन्होंने सुनाने वाले, नई नई कृष्ण की अद्भुत कथा को सुनाने वाले अभी तक कहीं नहीं, कोई नहीं हुए। बोले श्री जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू ग्रंथ में क्या अद्भुत, उन्होंने दो खंड उन्होंने किया है, एक पूर्व खंड और एक उत्तर खंड है। दो खंड में उन्होंने भगवान की इतने प्यारी प्यारी कथा सुनाए, कैसे नंद भवन में, गोलोक वृंदावन में, नंद भवन है, नंद भवन में कहते सवेरे और शाम को उनको सभा लगता है, सवेरे भी सभा लगती है और शाम को भी सभा लगता है, और वो सवेरे और शाम को सभा में कहते जो मधुकंठ और सिद्धकंठ, बोले ये कौन है? बोले जो जमलार्जुन वृक्ष हुए थे, हाँ, नल कुबेर का जो दो बेटे थे जो जमलार्जुन वृक्ष बन गए थे, कृष्ण जिन दोनों को उद्धार किया है, हाँ, जब उनको मुक्ति मिली उनको दो स्वरूप मिला है। कहते एक स्वरूप में तो उन्होंने स्वर्ग में नल कुबेर और मुनि ग्रीव होकर कुबेर का बेटा आकर गले गए, लेकिन दूसरे रूप में वो कहाँ गए? दूसरे रूप में उनको गोलोक वृंदावन में गए। गोलोक एक का नाम मधुकंठ और एक का नाम सिद्धकंठ। मधुकंठ मतलब जिसका कंठ बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, बड़े सुंदर गाते हैं, बड़े सुंदर बोलते हैं। सिद्धकंठ मतलब बड़े सिद्ध भी सुंदरता है। इसलिए जब नंद बाबा का दरबार में जब सभा लगता है, एक सवेरे और एक शाम को कृष्ण की लीला वर्णन करते हैं, सब ब्रजवासियों के सामने कृष्ण लीला को वर्णन करते हैं। हाँ, इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी कहते कभी कभी श्री सुखदेव गोस्वामी भावावेश में आकर के जैसे कृष्ण लीला वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण लीला वर्णन करते करते कभी क्या किया, जो लीला पहले बोलना चाहिए उसको बाद में बोल दिया, और जिसको बाद में बोलनी चाहिए उसको पहले बोल दिया, क्योंकि भाव में जो बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जब कथा सुनाए उनका हृदय में जैसे टीवी में हम देखते हैं, हाँ, उस तरह उनका हृदय में दिव्य उनको कृष्ण का लीला प्रकट हो रहा है, और जैसे देख रहे हैं वैसे वो बोलते जा रहे हैं, हाँ, वैसे बोलते जा रहे हैं। इसलिए कभी कभी उन्होंने क्रम को भंग कर दिया, मतलब पहले लीला को बाद में, बाद लीला पहले बोल दिया। अभी श्रील जीव गोस्वामी ये चीज को उन्होंने बोलते हैं, जीव गोस्वामी ये चीज को उन्होंने बताए, बोले नहीं ये लीला श्री सुखदेव गोस्वामी को पहले बोलनी चाहिए, लेकिन इसको बाद में बोल दिया, जिसको बाद में बोलनी चाहिए उन्होंने पहले बोल दिया। देखो ये चीज को साधारण व्यक्ति नहीं बता सकते हैं, हाँ, कृष्ण कौन सा लीला पहला किया कौन सा बाद हमको क्या बताए, लेकिन ये चीज को श्री जीव गोस्वामी ये चीज को बताते हैं। इसलिए ये गोपाल चंपू ग्रंथ में अद्भुत अद्भुत आपको नई नई कृष्ण की कथा सुनने को मिलेगी, हाँ, नई नई कृष्ण की लीला कथा सुनने को मिलेगी, जिन्होंने ये गोपाल चंपू ग्रंथ में उन्होंने अद्भुत अद्भुत उन्होंने ग्रंथ में बनाया है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी का हमारा संप्रदाय के लिए इनकी बहुत बहुत बड़ा देन है इनकी, और इन्होंने केवल भक्ति केवल भजन के आय से नहीं, कहते इनका तीन शिष्य हुए हैं, एक नरोत्तम, एक श्यामानंद और एक श्रीनिवास। कहते उन्होंने तो भक्ति प्रचार किया ही है, लेकिन उन्होंने ऐसे तीन व्यक्ति को उन्होंने सिखा दिया, हाँ, श्यामानंद प्रभु नाम जानते हो, जो कि निधु वन में झाड़ू लगाते लगाते जो राधा रानी के चरण की नुपुर इनको मिलता है, और उन्हें नुपुर को ला करके अपना गुरुदेव को दिखाया, बोले गुरुदेव ये एक नया नुपुर जंगल से मिला, वो तो बिलास मंजरी वो सब जानते हैं, बोले बेटा ये राधा रानी के चरण की ये नुपुर है, अगर कोई लेने के लिए अगर आए मत दिया करना, बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए, मैं अपना हाथों से उनका चरण में
पहनाऊंगा, इसलिए स्वयं राधा रानी वहां पर आती है और वो अपना हाथों से राधा रानी का चरण में वो पायलक पहनाती है। किसको कृपा से? बोले श्री जीव गोस्वामी का कृपा से श्री श्यामानंद प्रभु को साक्षात राधा रानी का दर्शन, साक्षात दर्शन उनको मिला। बोले इनकी कृपा से उनको दर्शन मिला है और इनकी कृपा से उन्होंने तीन ऐसे शिष्य को उन्होंने बनाए, हाँ नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, ऐसे तीन चेले बनाए। ये तीन चेलों ने सारा दुनिया में महाप्रभु का भक्ति को प्रचार किया। जब महाप्रभु का भक्ति धीरे 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 डाउन होते जा रहा था, कहते श्री श्यामानंद प्रभु उन्होंने गए उड़ीसा में, हाँ हमारे उड़ीसा में उन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का भक्ति को उन्होंने प्रचार किया। कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ कहते नरोत्तम दास ठाकुर वो गए, नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं कहाँ गए ने हो यार, उन्होंने गए मणिपुर में, गए मणिपुर में जाकर के पहले उन्होंने राजा को शिष्य बनाए, पहले राजा को उन्होंने शिष्य बनाए। हाँ और अगर राजा, अगर देश का राजा अगर भक्ति करने लग जाए, कंठी माला और भजन करे, फिर क्या होगा? सारे प्रजा जितने मणिपुर का अभी तक इतने बड़े प्रभाव किसको अंदर दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हें जो प्रभाव उन्होंने दिखाया, राजा को चेला बनाया, पूरा प्रजा सारे को सारे मणिपुर सब के सब प्रजा बदल गई, सबके गले में कंठी तिलक माला, सबके घर में महाप्रभु राधा कृष्ण, वहां पर महाप्रभु का मंदिर उन्होंने स्थापन किया। जब महाप्रभु का वहां आरती होती है, एक साथ में 108 मृदंग बजता है, 108 मृदंग बजता है और जय जय गोरा चांदेर आरती को शोभा जानवी तटवने जगमन लो, एक साथ में इतना मृदंग बजता और कीर्तन होता है। हाँ अभी भी उसका प्रभाव, अभी भी आप जब देवानंद गौड़ी मठ में हम जाते थे ना, आप देखे होंगे उसको सामने मणिपुरी मठ था, आप देखना स्त्रियां नीचे वो सफेद कपड़ा ऊपर लाल कपड़ा पहनती, स्त्रियां देखना सबके सब सफेद लाल कपड़ा, अभी भी वहां के स्त्रियां गला में कंठी और लाल कपड़े सफेद कपड़ा अभी भी वहां के पहनते, इतने प्रभाव उनको। और श्री श्यामानंद प्रभु उन्होंने बंगाल में गए, हाँ बंगाल में जाकर के सर्वत्र महाप्रभु का उन्होंने प्रचार किया, सर्वत्र महाप्रभु का भक्ति, इसलिए उनका जो तीन जो चेले हुए हैं वो तीन शिष्यों ने सर्वत्र महाप्रभु का वाणियों को उन्होंने प्रचार और प्रसार सर्वत्र किया, इसलिए जीव गोस्वामी के शिष्य लोगों ने। कहते श्री जीव गोस्वामी ने, हम सबरे बता रहा था, उन्होंने हमारे संप्रदाय के लिए व्याकरण बनाया जिसका नाम रखा हरिनामृत व्याकरण है। हाँ इसलिए क्योंकि उन्होंने हरिनामृत व्याकरण, हरिनामृत व्याकरण, कहते ये जो व्याकरण है जीव गोस्वामी ने देखा, जैसे हमारा संप्रदाय में जो आएगा अभी शास्त्र ग्रंथ गीता भागवत पढ़ेगा, सबके सब संस्कृत में, अगर संस्कृत ज्ञान नहीं होगा कहाँ गीता भागवत पढ़ेगा। इसलिए देखा जो भक्ति जगत में आएगा उनको तो केवल भगवान का नाम ही प्यारा है, भक्ति छोड़कर उनका चौकी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जगत का जो ग्रामर है व्याकरण, तो ग्रामर जगत का ग्रामर रटेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने ऐसे एक व्याकरण बनाए जो व्याकरण पढ़ने का साथ साथ आपको ग्रामर भी सीखना हो जाएगा और आपको भगवान का नाम भी करना, दोनों एक साथ में हो जाएगा। इतने सुंदर उन्होंने व्याकरण बनाए, अद्भुत व्याकरण है। आप वहाँ सूत्र रटोगे तो ठाकुर का नाम ही रटते रहोगे, भगवान का नाम को दे दे, जैसे माला जप करते ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर वो सूत्र को रटोगे तो भगवान का नाम ही रटना होगा। मतलब इतने अद्भुत उन्होंने ये व्याकरण ग्रंथ को उन्होंने बनाया। इसलिए कहते श्री लजीव गोस्वामी का हमारा संप्रदाय में उनका जो देन है, ये एक अद्भुत अद्भुत देन है। इसलिए जीव गोस्वामी का, इनका देन को अगर इनका ग्रंथ को कोई पढ़ेगा तो फिर समझ सकता है। और इनका भक्ति रसामृत सिंधु गुबर टीका उज्ज्वल निर्मणि में टीका है, भक्ति रसामृत सिंधु गुबर जो टीका है इसका नाम है कहते दुर्गम संगमनी, और उज्ज्वल निर्मणि का जो टीका है लोचन रोचनी, उन्होंने ये टीका को लिखा। और उन्होंने जो ब्रह्म गायत्री, जो ब्रह्म गायत्री जप करते उसको उन्होंने व्याख्या लिखा, और जो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष
लख्यावृतो सुरभि रभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसं ब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दं माधिपुरुषं तमं भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कर। इसका उन्होंने टीका लिखे, हमारे गुरुदेव ने ग्रंथ निकाले, टीका के अनुवाद भी हमारे महाराज ने निकाले। इसलिए इनकी बहुत बहुत ऐसे ग्रंथ है जीव गोस्वामी की। हाँ, इसलिए और कहते आज श्री वामन देव का आज जन्म तिथि है। बोले श्री वामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की जय। इसलिए श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं, कहते उनका दो प्रश्न है। उनका प्रथम प्रश्न है, बोले ये भीख कौन मांगता है? भीख गरीब मांगता है, गरीब जिसके पास वो कोई चीज है नहीं। श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं, कहते कहां त्रिभुवन का मालिक लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती है माँ लक्ष्मी, लेकिन वो भिखारी बन करके, हाँ वो भिखारी बन करके बलि महाराज के पास में गए और उनसे भिक्षा मांगी। उन्होंने क्यों विश्व ब्रह्मांड का मालिक होकर के, हाँ वो क्यों भिक्षा मांगने क्यों जाते हैं, क्यों गए भिक्षा मांगने के लिए, उन्होंने पहला प्रश्न है। और उनका दूसरा प्रश्न है, कहते कृष्ण बलि महाराज से दान भी लिया, लेकिन दान ले करके हमने सुना फिर उन्होंने गरुड़ जी को आदेश दिया और गरुड़ ने उनको नाग फांस बंधन में बांध दिया। भगवान दान से लिया ये सब कुछ दो पग में ले लिया और दो पग में लेकर फिर उनको उल्टा उनको बांध दिया नाग फांस बंधन में, फिर उन्हें क्यों बांधे? इसलिए आप कृपा करके हमें ये दो प्रश्न का हमें उत्तर दो। जब उन्होंने दो प्रश्न किया तब श्री सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर देते हैं कि जिस समय मतलब एक समय देवता और दैत्य में ये दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किया है, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत निकला तो और ये अमृत को लेकर लोड़ में लड़ाई हो गया तो अमृत को दैत्यों ने जोर जबरदस्ती छीन लेते हैं। भगवान ने देखा अगर दैत्य लोग अमृत पान करेंगे अमर हो जाएंगे, अगर ये लोग अमर हो जाएंगे तो दुनिया ध्वंस कर देंगे, मेरा सृष्टि रहेगा नहीं। हाँ, संतों को द्वारा तो जगत पालन होता है, अच्छे व्यक्ति को द्वारा, दुष्ट से तो पालन होता ही नहीं। तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के क्या अपूर्व भगवान का रूप, क्या चलनी, क्या उनका तरिष चितवन था, क्या शारीरिक उनकी भंगिमा थी, जिसको शंकर देख कर खुद पागल हो गए। हाँ, इतने सुंदरी बन करके आई, वो महीन रूप को देख करके वो जो लड़ाई कर रहे थे दैत्य लोग, हम खाएंगे पहले, वो लड़ाई बंद ठप हो गया बटलट। वो तो रूप को देखने लगी, कहां से आई इतना सुंदरी, ये कहां से आई इतना, पृथ्वी में कभी तो इतना सुंदरी कभी होती नहीं, इसलिए लड़ाई बंद। एक दैत्य जाकर बात करा, बोले सुंदरी सुंदरी तू कहां से आई हो? दूसरा दैत्य उसे धक्का मार दिया, तेरे को बात करना नहीं आता, मेरे को बात करने दे। इसलिए ऐसे आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया और बोले तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोले ये अमृत पान करने के लिए। इतने में दैत्य लोगों ने कहा सुंदरी ये अमृत तू ले ले और हमारा आपस में अमृत को बांट दो। इतने में वो मोहिनी कह रही है मैं एक अनजान स्त्री को विश्वास नहीं करनी चाहिए और बिना देखे जाने सुने मेरे को तुम कैसे अमृत कलश दे रहे हो? भगवान बीच चीज को विश्वास कराने के लिए बोले। फिर तो दैत्यों ने कहा अमृत पिएंगे तो तुम्हारी हाथ में पिएंगे, नहीं तो और किसका हाथ में पिएंगे नहीं। बोले देखो मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना पड़ेगा, करोगे? बोले हाँ सुंदरी हम वैसे करेंगे। बोले देखो अमृत पियोगे पहले नहा करके आओ और देखो एक लाइन नहीं दो लाइन बना करके एक तरफ में देवता दैत्य बैठो। और मोहिनी ने बोला देखो ये देवताओं को थोड़ा ऊपर ऊपर से जो पानी है ना अमृत को ये थोड़ी उनको देकर इनको टरका देती और जो गाढ़ा रह जाएगा हम दोनों एकांत में बैठे करके हम पान करेंगे। दैत्य ने कहा मोहिनी भले ये अमृत नहीं मिले तू मिल जाए तो हम सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए अभी उन्होंने मोहिनी क्या कर रही थी ये देवताओं को तो अमृत पिला रही थी लेकिन दैत्य के तरफ में
बड़े थोड़े थोड़े मीठे मीठे हंसते हुए और तेरे चितावन से दैत्यों को देख रही थी। दैत्यों का नजर नहीं अमृत में, उनका तो नजर मोहिनी का रूप में उनका नजर है। हाँ, वो हंस रहे हैं, देख रहे हैं उसका नजर में। ऐसे करते करते उन्होंने जब सारे अमृत पिला दिया देवताओं को और खाली कलश को उनको सामने फेंक दिया, फेंक करके देखते देखते भगवान मोहिनी धीरे 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 अंतर ध्यान। बोले भगवान, वो मोहन मोहिनी बनकर के आया था, वो दुष्ट नारायण ही ये मोहिनी बनकर के आया था, हमको तो ठग लिया। इतने में देवता लोग तो अमृत पी चुके, हाँ अमृत पी करके अमर हो गए। फिर तो देवता दैत्य में फिर तो लड़ाई प्रारंभ हो गया। देवता लोग तो दैत्यों को जैसे, हाँ जैसे आरबी का पेड़ को काटते है ना, ऐसे ही एक तरफ से उनको काटने लगे, एक तरफ से उनको काटने लग गई, सारे दैत्यों को समाप्त कर देंगे। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले मेरे सृष्टि खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी आकर के उनको समझाए, जब समझाए, अभी इनका गुरु कौन है दैत्यों का, बोले शुक्राचार्य। बोले शुक्राचार्य को एक संजीवनी मंत्र पता था जो कि मरे हुए व्यक्ति को भी ये जीवित कर सकते हैं। फिर उन्होंने सारे दैत्यों को दो बार उन्होंने प्राण दे दिया और दैत्यों का राजा बलि, अभी तो बलि महाराज को बड़ा क्रोध आया। बोले हम दोनों मिलकर कितना कष्ट किया समुद्र मंथन में और इसको देवताओं ने अकला पी लिया, हमारा साथ में उन्होंने धोखे दिए हमको, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। फिर तो उन्होंने एक यज्ञ किया जिस यज्ञ का नाम रखा विश्वजीत महायज्ञ, मतलब जो यज्ञ करने पर विश्व को जय कर सकते हो। अभी वो यज्ञ से एक सुंदर रथ निकला, जो रथ में सारे अस्त्र शस्त्र से जो रथ भरा पड़ा हुआ था, हाँ और घोड़े निकले। वो रथ के ऊपर जो बैठ करके युद्ध करेगा उसको कोई हरा नहीं सकता है। फिर तो वहां पर स्वयं प्रहलाद महाराज आए, आकर के नरसिंह देव का पुष्प की माला, प्रसाद की माला उन्होंने प्रदान की और दैत्य लोगों ने अपना गुरु जी की सेवा किया, ब्राह्मणों की सेवा की, खूब दान दक्षिणा दिया, हाँ खूब, और सबका आशीर्वाद बलि महाराज ने लिया। सबका आशीर्वाद लेकर के फिर तो बलि महाराज स्वर्ग को पर फिर आक्रमण किया। जब स्वर्ग को पर आक्रमण किया उन्होंने पहले शंख बजाए, शंख आवाज सुनते ही इंद्र तो डर गए। इंद्र बृहस्पति के पास में गए, बोले गुरुदेव इनको दोबारा शक्ति कैसे मिल गया, बता हम क्या करने चाहिए। बोले देखो अगर बचना चाहते हो लड़ाई पढ़ाई मत करो, क्योंकि अभी उन्होंने नृसिंह देव का प्रसाद माला पहन करके आए, अपना गुरु जी की सेवा किया, ब्राह्मणों की सेवा की और उन्होंने खूब उन्होंने ताकत पाया और यज्ञ किया। वो रथ के ऊपर बैठ करके आया, वो रथ के ऊपर जो बैठ गया उसको कोई परास्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोगों को इसमें भलाई स्वर्ग छोड़ दो और इंसान का रूप लेकर के मरते जगत में चले जाओ। इसलिए अभी बलि महाराज जा करके पूरा के पूरा सिंहासन को दखल कर लिया और वहां पर बैठी करके और जितने दैत्यों को उन्होंने एक एक काम में निजुक्त ड्यूटी में निजुक्त कर दिया। अभी श्री देवता और इंद्र अभी मर्त्य जगत में दर दर भटक रहे दुखी होकर, और इनके माँ अदिति, अदिति उन्होंने कश्यप जी के पास में गए, बोले मेरे बच्चे लोग दर दर मारे मारे भटक रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चों को बड़ी कृपा करो। बोले क्या चाहते हो, बोले फिर ये स्वर्ग राज्य मेरे बेटे को मिल जाए। तो उन्होंने बोले एक काम करो, एक पयो व्रत है, हाँ दूध पी करके 12 दिन रहना पड़ेगा और भगवान विष्णु को रोज खीर बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाओ और बड़ी नियम पूर्वक आपको 12 दिन बड़े नियम पूर्वक आपको विधि विधान से आपको ठाकुर का सेवा पूजा अर्चन नियम से अच्छे तरह से पालन करना पड़ेगा। करोगे तो फिर भगवान वामन देव प्रकट होएंगे, फिर ये वामन देव फिर ये स्वर्ग राज्य को वापस जा सकते हैं। उन्होंने कश्यप के आदेश के अनुरूप उन्होंने 12 दिन तक पर्य व्रत किया। पर्य व्रत रखने पर भगवान स्वयं कश्यप जी को हृदय में पहले आए, कश्यप जी समझ गए मेरे हृदय में भगवान आए, फिर उनका हृदय से और उससे फिर ये अदिति गर्भ में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके भगवान वामन देव भगवान प्रकट होते हैं। बोले श्री भगवान वामन देव की जय। दोपहर में वामन देव प्रकट हुए, प्रकट होने पर सारे देवता लोग आए,
देवता लोग आकर के बड़े धूमधाम से भगवान की उपनयन संस्कार कराए। किसने उनको कमंड डोल दिया, किसने छत्री, किसने पादुका, किसने उनको मुंजा की आसन, किसने उनको ताल पत्र, सबके सब देवताओं ने अलग अलग वस्तु उन्हें दिया। देख रखे अभी नियम है, जब जनेऊ संस्कार होता है पहले उनको भिक्षा करना पड़ता है। अभी बोले भिक्षा मांगो, बोले भिक्षा क्या चाहिए, तब श्री हमारे देव गुरु बृहस्पति ने कहा हमको भिक्षा रूप में ये स्वर्ग राज्य चाहिए। बोले स्वर्ग राज्य हम कहाँ से लाए, बोले एक काम करो, ये नर्मदा नदी है उसको किनारा में श्री बलि महाराज वहाँ यज्ञ कर रहे हैं और रोज यज्ञों को बाद में सभी को वो दान देते, जो जो कुछ मांगेगा उसको वो दान देते हैं। अभी श्री बामन देव अभी जा रहे हैं भिक्षा करने के लिए। जब भिक्षा करने जा रहे थे और दूसरे दूसरे ब्राह्मण भी जा रहे थे, सारे ब्राह्मण बामन देव का तेज, क्योंकि भगवान है, देख करके बोले अगर ये पहले अगर चला गया राजा के पास में, लगता है राजा सारे दान तो इसको, हमको तो लगता है दान मिलेगा ही नहीं, इसलिए एक काम करो इसको जल्दी, ये तो छोटा सा है, जल्दी जल्दी चलते चलते इनको पीछे रखते हैं और हम आगे चले जाते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलकर बामन देव को पीछे रख करके सबके सब आगे चले गए। जब आगे गए ना, देखा वो जो बामन देव पीछे जिसको छोड़कर आए थे, वो देखे सामने छतरी लेकर जा रहा है। बोले ये क्या हो गया, उसको तो हम पीछे छोड़ करके आए, ये आगे फिर कैसे आ गया। हाँ, जितना उसको पीछे छोड़कर जाते हैं वो उतना आगे आगे दिखते हैं, वो तो भगवान है। फिर वो नर्मदा नदी आ गया, नदी आ गया तो बोले अभी क्या करोगे, अभी तो कैसे पार करोगे, वो तो बहुना सा है। हाँ, इसलिए बावन अंगुल के बल अभी सबके सब पार हो गए ब्राह्मण लोग। अभी ये बामन देव जो पानी में प्यार रखे, एक प्यार रखते ही यहां तक पानी, एक बार प्यार रख रहे हैं और एक बार प्यार ऊपर उठा रहे, बोले यही रहो हम जा रहे हैं। इतने में बामन देव एक ब्राह्मण से बोले, बोले भैया हमको थोड़ा ये नदी पार कर दोगे। बोले पार तो कर दूंगा, लेकिन हमको कुछ देना पड़ेगा, जो कुछ दान में मिलेगा आधा दान हमें दोगे, बताओ। अब भगवान उसको पर कृपा करना चाहते थे, भगवान थोड़ी सभी को कंधे पर थोड़ी बैठते हैं, वो तो कोई विशेष भक्त था, इसलिए बोले ठीक है भैया आधा दे दूंगा। बोले ठीक है कंधे पर बैठ जा, भगवान उसको कंधे में बैठ गए। जब बैठ गए, जब पार करा रहे थे, वो तो भक्त था, वो जानता है, वो वेदज्ञ ब्राह्मण, हठात देखा भगवान का चरण में शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह उन्होंने देखा। बोला ये तो भगवान का चरण का चिन्ह, इसका प्यार में कैसे आ गया, लगता है ये साधारण नहीं, ये तो भगवान लगता है। अभी बीच नर्मदा नदी में जा करके बोले देख ब्राह्मण और एक चीज देना पड़ेगा हमें। बोले हमें तो बोल दिया आधा तो दे दूंगा, और क्या चाहते हो। बोले देखो मैं जैसे तुमको ये नर्मदा नदी पार करा रहा हूँ, एक दिन मुझे ये भवसागर को पार कराना पड़ेगा, करोगे कि नहीं, तब तो पार कराऊंगा नहीं तो छोड़ दूंगा ही। बोले भैया ये नदी में पार नहीं हो पा रहा हूँ, वो भवसागर तो बहुत बड़ा है, उसका हम कैसे पार कराएंगे। बोले देखो हम समझ गए आप साधारण नहीं, आप भगवान विष्णु हो, इसलिए बताओ हमको पार करा दोगे कि नहीं। बोले ठीक है तुमको पार करा दूंगा। फिर उन्होंने उनको पार करा दिया। जब भगवान बामन देव पहुंचे बलि महाराज का दरबार पर, हाँ वहां प्रवेश करते ही उनका शरीर से ऐसे ज्योति निखर रहा था, पूरा उनको एकदम महल एकदम उजाला उजाला हो गया। श्री बलि महाराज तो चौंक उठे, बोले ये कौन है, ये सूर्य ना अग्नि देवता ना चंद्रमा ना चतुसन, ये कौन आ गए। उन्होंने खड़े हो गए, खड़े होकर के बामन देव को उन्होंने लेकर के उन्होंने सिंहासन में स्थापन किया और उनका चरण को धोए, चरणामृत लिया, उनका चरणामृत को संपूर्ण उनको देश में छिड़काव करवाए। कल आज मेरे जीवन धन्य हो गया, आज मेरे राज महल धन्य हो गया, आप जैसे ब्राह्मण का मेरे दरबार में हमने कभी इतना तेजस्वी ब्राह्मण हमने कभी देखा ही नहीं। तब श्री बलि महाराज ने कहा आप मेरे से वर मांगो।
जो कुछ मांगना चाहते हो हमसे मांग लो। अगर सोना दाना चांदी घोड़ा हाथी घर हाँ ब्राह्मण हो, अगर कोई ब्राह्मण ही चाहते हो आप जैसे बहुना ऐसे अगर छोटी बहुना सब ब्राह्मण ही चाहोगे आपको शादी करा दूंगा। आप जो कुछ मांगो हम सब कुछ दे देंगे। फिर इतना दूंगा आपको कहीं झोली फैलाने का जरूरत नहीं, सब कुछ आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो भगवान ने कहा देखो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को ज्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए हाँ? ज्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए। मैं तो केवल अपना चरण से नाप करके केवल मेरे को 3 पग जमीनी चाहिए। बलि महाराज ने कहा तू देखने में जैसे बहुना है तेरा बुद्धि भी बहुना सा हाँ? अरे इतने बड़े दानी को पास में आए हो हाँ? अरे कम से कम ऐसे मांगो और किसी को पास में जैसे जाना नहीं पड़े, तू वैसे ही बहुना और तुम्हारा प्यार भी इतने छोटे छोटे और इतने छोटे छोटे प्यार में 3 पग जमीन कितना होगा, वो इतना सा छोटी सी जगह होगा, इतना जगह से क्या करोगे। बोले देखो ब्राह्मण को ज्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए, हम भजन करना चाहता हूँ, एक जगह में बैठी करके थोड़ा भक्ति करूंगा। बोले अरे भक्ति तो करोगे अगर बैठ गया, अपना सामान को रखने के लिए तो कोई जगह चाहिए। तब बलि महाराज ने कहा कोई बात नहीं तुम भूल से मांग लिया, कोई बात नहीं दोबारा मांगो हाँ। बोले नहीं ब्राह्मणों को लोभी नहीं होनी चाहिए, अगर मन में अगर संतोष नहीं हो अगर त्रिभुवन भी मिल जाएगा संतोष होने वाले नहीं, इसलिए संतोष ही होनी चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। तब उन्होंने कहा देखो मेरे पास में बहुत बड़े बड़े दैत्य है हाँ? उनको प्यार बहुत बड़ा बड़ा, उनको प्यार से मैं अपवा करके दे दूं। बोले देखो मैं पक्का ब्राह्मण हूँ, मैं किसका प्यार का छुआ हुआ भी वस्तु नहीं लेता हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं तो अपना प्यार में नाप करके ही अपना प्यार का जमीन लूंगा हाँ। मेरे को 3 पग चाहिए, इसका मतलब है वो जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, 3 पग मतलब 3 पद विभूति है भगवान की, 3 लोग है वो यहाँ पर छुपा कर कह रहे। बोले तुम तो तेरे को पता है नहीं मेरे प्यार कितना है, मैं जो 3 पद मांग रहा हूँ ना जब बढ़ाऊंगा तब देखोगे कितना खाद जाता है हाँ? इसलिए 3 पद मतलब त्रिभुवन को ले जाऊंगा हाँ? तुमको पता ही नहीं अभी। बोले एक काम करो, देने से पहले संकल्प करनी चाहिए, पहले संकल्प करो। वो अभी संकल्प करने ही जा रहा था इतने में वो शुक्राचार्य तो स्वा स्वा में लगा हुआ था हाँ, यज्ञ कर रहा था। किसी ने जा करके बोले क्या कर रहे हो, तेरे चेला लुटे जा रहा है, तेरे चेले लुटते जा रहा है, तू यह स्वा स्वा कर रहे हो। वो भागते भागते आए, बोले बलि सावधान अभी तुम संकल्प मत क्या करो, जानते हो ये कौन। बोले कौन है, बोले वो पहले जो मोहिनी आया था ना आपको अमृत से वंचित कर दिया, वो मोहिनी अभी मोहन बन करके आ गया हाँ? ये 3 पद जमीनी मांग रहा है, 3 पद नहीं ये त्रिभुवन को माप लेगा, खबरदार नहीं देन इसको दान मत दिया करो। बोले देखो ऐसे दान को प्रशंसा नहीं माना जाता है, नियम है अपना धन को 5 भाग करके अपना संसार के लिए धर्म अर्थ काम सबके लिए रख करके दान करनी चाहिए। ये दान को श्रेष्ठ नहीं दान नहीं माना जाता है जो सब कुछ लुटा दिया अपना पास में कुछ नहीं रहे, ये दान को श्रेष्ठ दान नहीं माना जाता है। अरे अपना बीवी बच्चे संसार है ना उनके लिए तो सोचनी चाहिए ना, सब कुछ लुटा दोगे। जब उन्होंने ऐसे बोले तब बलि महाराज ने बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। बोले कैसे, बोले आप स्वयं बता रहे ये भगवान है, दुनिया किसके है, दुनिया तो प्रभु का है, अगर वो तो इच्छा करेंगे तो अपने आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन भगवान विश्व ब्रह्मांड जिनको पास में हाथ हाँ हाथ क्या फेराता है वो मेरे पास में मांगने के लिए आए, आप स्वयं बता रहे हो। बोले गुरु जी का काम क्या है, बोले गुरु जी का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का काम है जो कण कण में जो भगवान व्याप्त है उनका चरण कमलों को जो दर्शन कराते। आप बोल रहे हो स्वयं भगवान आए और भगवान मेरे को मांग रहे हैं, सारा दुनिया जिनकी आप बोल रहे हो प्रभु के ही मध्य हो, कैसे तुम गुरु हो हाँ? इसलिए जब ऐसे बोले तब श्री शुक्राचार्य ने कहा देखो तुम बात को घुमा दो, ये बात को तुम घुमा दो। बोले पहले में बोल दिया कोई बात नहीं,
बोले नहीं, एक बार प्रभु को बोल दो देने के लिए, फिर दो नहीं दो तो। तब उन्होंने बोले देखो 5 ऐज जागा है, अगर वहां झूठ बोलोगे तो वो झूठ को झूठ नहीं माना जाता है। बोले कहां पर? जैसे कहते पत्नी को परिहास में, जैसे पत्नी बोले मेरे लिए बनारसी साड़ी ला दो, मेरे लिए अलंकार ला दो, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया चीज ला दो। पत्नी बोलती, पति बोलता चिंता क्यों करते हो, तेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी ले आऊंगा, बढ़िया बढ़िया अलंकार ले आऊंगा। अगर परिहास करते करते स्त्री को, कभी स्त्री को मनाने के लिए नहीं तो स्त्री को खुश करने के लिए अगर वहां परिहास में अगर कुछ बोल दिया तो उसको पाप नहीं माना जाता। जैसे शादी में हाँ, अब बोलोग अरे इतना दहेज देंगे, इतना देंगे, वो देंगे, सो देंगे, हाँ अगर बोल दिया लेकिन अब शादी में दे नहीं भाई, कहते वहां पर भी हाँ वहां पर भी उसको दस नहीं मानी जाती है। और नर और जहां पर विपत्ति में गो ब्राह्मण कहीं विपत्ति में पड़ा हुआ है, हाँ जैसे कोई मुसलमान किसी गैया को पीछा कर रहा है मारने के लिए, आप यहाँ पर खड़े हो, गैया आपने देखा इधर चली गई, लेकिन वो आकर पूछा भाई गया किधर गया, आपने उधर नहीं दिखा कर बोले इधर चला गया। अगर आपने इधर दिखा दिया, अगर झूठ भी बोल दिया तो झूठ को झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि आप गो ब्राह्मण को आप रक्षा करने के लिए यहाँ पर झूठ बोला। इसलिए ऐसे कुछ स्थान है जहां पर अगर झूठ बोल दिया तो झूठ को झूठ, और अपना जीविका निर्वाह करने के लिए हाँ, इसलिए यहाँ तो जीविका निर्वाह। लेकिन ये जो श्लोक वहां पर दिया गया, ये नीति श्लोक है हाँ, नीति धर्म है। लेकिन भगवान जहाँ पर स्वयं आए और भिक्षा मांगने के लिए आए, यहाँ पर झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अपराध है झूठ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भगवान स्वयं आए। तब बलि महाराज ने कहा मैं तो इसको दान दूंगा, बोले मेरे आदेश पालना न करे, बोले नहीं, बोले जाओ तो श्री भ्रष्ट हो जा, तेरे पास में लक्ष्मी नहीं रहेगी। बोले अयम अस्तु, लेकिन भगवान को मैं दूंगा। फिर भगवान को बोले प्रभु, उन्होंने संकल्प करने के लिए फिर जब गए, गंगा सागर होता ना लोटा सा, गंगा सागर होता है जिसमें पानी निकालते हैं, फिर उसने जब संकल्प करने के लिए गए, फिर शुक्राचार्य ने जाकर वहां बैठ गया, पानी जैसे नहीं निकले। बोले ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है, कोई काई तो जब नहीं गया, उनने कूस ला करके छेद किया तो वो तो शुक्राचार्य बैठ गया था उसके अंदर में, उसका एक आग फूट गया तो खून बहने लगा। फिर तो शुक्राचार्य वहां से भगा। अब देख रहा है शुक्राचार्य की एक आग देखोगे हाँ, एक आग नहीं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भगवान को दान देते समय हाँ, अगर किसी विषय कोई मना नहीं करनी चाहिए, भगवान को दान देते समय कहते ये अपराध है। इसलिए अभी उन्होंने संकल्प किया तो भगवान एक पग में ही तो भगवान भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक को ले लिया। जो सत्य लोक पहुंचे भगवान का चरण, वहां पर ब्रह्मा जी भगवान का चरण को अभिषेक करके उसको अपना कमंडल में रखा, वो हो गया पतित पावन, गंगा बन गया। फिर श्री जाम्बवान ने भगवान का चरण को 3 बार परिक्रमा किया और सर्वत्र प्रचार कर लिया, भगवान ने एक पग को द्वारा ब्रह्म लोक का उनका चरण आया है। और दूसरा पग में उन्होंने अतल बितल तलातल सुतल पाताल लोक तो चला गया, अब तीसरे पग रखने के लिए स्थान नहीं। तब श्री भगवान ने कहा बलि बड़ा डीग हाँक रहा था, इतने दान दूंगा कहीं तुमको झोली पसारने का जरूरत नहीं, मैंने 2 पग में सब कुछ ले लिया, बताओ तीसरे पग कहाँ पर रखे। इतने में उन्होंने बुलाया गरुड़ जी को, बोले गरुड़ जी, उन्होंने अपना वाक्य को रक्षा नहीं कर पाया, उसको नाग फांस बंधन में बांध दो। गरुड़ जी आकर उनको नाग फांस बंधन में बांध दिया। यहाँ पर शिक्षा है, बोले भगवान तो 2 पग में सब कुछ ले लिया हाँ, फिर ये गरुड़ जी को बुला करके उसको नाग फांस बंधन में क्यों बांध दिया। उनका प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था ये भगवान होकर के भिक्षा मांगने क्यों गए, दुनिया का मालिक। दूसरा प्रश्न था भगवान तो सबके सब उनको ले गए, लेकर के गरुड़ को दे करके उन्होंने फिर उन्होंने नाग फांस बंधन में क्यों बांध लिया। बोले उसका कारण बताए, बोले जीव का अंदर में 2 चीज है, जो 2 चीज हमें ये संसार का बंधन में हमको बांधा है, बोले एक मैं और एक मेरा। इसलिए बोलता है बकरी मैं करता है इसलिए मरता है, हम भी मैं करते करते हम मर रहे हैं जन्म मृत्यु का चक्र में। मैं और जो मेरा है कहते वो 2 चीज बंधन का कारण है। इसलिए भगवान उनका जो मेरा था क्या था, राज्य। भगवान 2 पग में क्या किया, उन्होंने पूरा राज्य को ले लिया, लेकिन अभी मैं रह गया, वो खुद रह गए हाँ।
अभी जब खुद रह गए अभी वो चीज की भगवान लेना चाहते हैं, बोले एक चीज तू तो दे दिया, मेरा चीज को दे दिया, लेकिन मैं चीज को अभी तक नहीं दे पाया। इसलिए उन्होंने गरुड़ जी को बोले, बोले इसको नाग फांसी बंधने बांधो इसको। जो इसे बोले उनकी पत्नी थी जो विंध्यावली पत्नी, एकदम बढ़िया पत्नी है, वैष्णवी पत्नी। पत्नी ने कहा प्रभु आप प्रभु को क्या दिया, कुछ तो दिया ही नहीं, दुनिया किसकी है, दुनिया तो प्रभु का दुनिया, और प्रभु ने ले लिया। जब तक खुद को खुद आप प्रभु को नहीं दे देते हो, देना क्या हुआ बताओ ना। बोला मैं तो स्वयं हूं। इतने में बलि महाराज का ज्ञान आ गया, बोले पत्नी ऐसे होनी चाहिए जो पत्नी को पति को भक्ति में मदद करे, भगवान के प्रेम में मदद करे। वो बड़े खुश हो गए। इतने में बलि महाराज प्रश्न कर रहे हैं बामन देव को, बोले प्रभु ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, बताओ। बोले दानी बड़ा जो दान देता है। बोले आपने क्या लिया, बोले दान लिया। बोले आपने तो केवल दान को लिया, अभी तो दानी स्वयं बाकी और त्रिभुवन को आपने ले लिया, दान से बड़ा दानी जो देता है अभी तो दानी बाकी रह गया ना, बताओ आपका तीसरे पग कहाँ है। बोले कहाँ पर रखो, बोले मेरे सिर पर रखो। तब भगवान तीसरे कमल को चरण को निकाल करके बलि महाराज का सिर पर धारण किया। धारण करते ही सारे देवता देख देख हैरान, हे भगवान जिस चरण कमल को ब्रह्मा शंकर नार बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी किस प्रभु किसको सिर पर कभी चरण नहीं रखे, हाँ लेकिन ये चरण को उन्होंने रख रहे हैं श्री बलि महाराज को। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्पों की बौछार किया और श्री बलि महाराज की जयकार लगाए। बोले श्री बलि महाराज जय। भगवान उनको संतुष्ट हो गए, होकर उनको पातालपुरी दे दिया, पाताल राज्य तो दिया। बोले जाओ पातालपुरी में तुम वहीं पर राजा बनो और फिर किसी मन्नतर में फिर तुमको स्वर्ग का इंद्र बना दूंगा। हाँ जो पातालपुरी है, बोले स्वर्ग से भी ज्यादा संपद ये पातालपुरी में है। और भगवान बोले तुम भागो मेरे से कुछ, बोले प्रभु मैं जब घर से निकल करके मैं जब कहीं बाहर जाऊंगा, मैं चाहता हूँ आपका दर्शन करते हुए जाऊं। जब मैं घर में प्रवेश करूंगा आपको दर्शन करते हुए घर में प्रवेश करूं, मेरे को यही वरदान दो। भगवान तथास्तु बोल दी, इसका मतलब दरवान बने भगवान उनका दरवान बन गए। दरवाजा में रहेंगे ना, जब जाएंगे दर्शन करेंगे और जब आएंगे ठाकुर का दर्शन करके अंदर में आएंगे, मतलब कहाँ बैठना पड़ेगा, बोले उनको दरजा के बाहर। इसलिए आप लोग देखे होंगे हमारे भारत में जब पहले कोई घर बनता था, आप देखिएगा दोनों तरफ जगह रखते थे। आप लोग देखे नहीं होंगे ना, जो पुरना पुरना स्थान में आप देखिएगा जहां पर घर बनाते थे दरवाजा के दोनों तरफ में कुछ स्थान रखते थे। वो स्थान किसका स्थान है, बोले श्री बामन देव का स्थान है, जहाँ बामन देव भगवान सभी को दरवाजा में, भगवान बामन देव को क्योंकि नियम है जब घर से जाए प्रभु का दर्शन करते हुए जाए, जब अंदर में प्रवेश करे भगवान को दर्शन करते हुए प्रवेश करे। इसलिए हमारे जितने भारतीय संस्कृति में जितने बड़े बड़े आप जाओ मठ मंदिर जो जो कुछ देखोगे, आप देखोगे बाहर दोनों स्थान है। हमारे रूप सनातन में आप देखोगे जो इधर जो मेन गेट दो तरफ में दो जगह है गुरु जी, और उस तरफ भी दो जगह में दूर रखे। कभी हर मंदिर में पहले ये नियम होता था, हर मंदिर नहीं हर घर घर में यही नियम था। कभी ऐसे भगवान बामन देव का नरसिंह देव का स्थान रखते थे क्योंकि नरसिंह देव का दर्शन करते हुए जाओ आओ सारे विघ्न दूर हो जाता है। हाँ इसलिए भगवान बलि महाराज का जो भक्ति है कहते आत्मसमर्पण, हाँ संपूर्ण रूप में उन्होंने भगवान को अपना आत्मसमर्पण करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। आज श्री बलि महाराज आज श्री बामन देव का आज जन्मतिथि, हाँ इसलिए श्री बामन देव की कृपा हो और भगवान जिनका भक्तों का प्रेम में प्रभु बसीभूत होकर रहे। और कहीं कहीं पुराण में मिलता है, क्या मिलता है, एक दिन नारद जी घूमते घामते पहुंचे कहाँ, बोले वैकुंठ में जा भोग लगा दो इंदुपति प्रभु अफट प्रसाद। हाँ कहते अभी एक दिन नारद जी घूमते घामते वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ में पहुंचे तो देखा वैकुंठ खाली, माँ लक्ष्मी अकेली। बोले क्या बात है प्रभु जी कहाँ गए, बोले पता नहीं वो कहीं गए अभी तक आए नहीं।
बोले गए कहाँ, वो विदेश में नौकरी ढूंढ लिया है। बोले कौन सा नौकरी, बोले चौकीदार का नौकरी। बोले चौकीदार का नौकरी, बोले हाँ। बोले कहाँ पर, बोले बलि महाराज के दरबार में, और नौकरी चौकीदारी का काम कर रहे हैं। बोले हे भगवान, ये क्या क्या करते रहते हैं, कभी सुदामा जी का चरण धोए, कभी किसका घोड़ा अर्जुन के लिए उन्होंने हाँ घोड़ा सारथी बने, कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, इसलिए प्रेम में होकर कभी सबरी का बैर झूठा बैर काए, पता नहीं ये क्या क्या करते रहे। लगता है केवल बाकी यही रह गया था अभी। बोले क्या करनी चाहिए, बोले रोज रोज बलि महाराज सवेरे सबको दान देते हैं, जाओ बलि महाराज के पास में। अभी माँ लक्ष्मी आ गई, माँ लक्ष्मी आकर के देखा भगवान वामन देव रूप में बैठे हुए। माँ लक्ष्मी ने कहा क्या इतना ही बाकी रह गया, कसर रह गया था चौकीदारी बनने का, और सारे काम कर लिया, चौकीदारी बाकी रह गया था। बोले अभी बोलो मत, अभी मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, अभी मैं चौकीदारी हूँ, अभी मैं चौकीदारी श्री बलि महाराज का चौकीदारी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अभी लक्ष्मी रोज रोज बलि महाराज सवेरे दान देते हैं, और लोग एकदम लाइन से खड़े रहते हैं। माँ लक्ष्मी भी जाकर लाइन में खड़ी हो गई, हाँ वेश बदला करके। बलि महाराज सबको दान दे रहे थे, अभी माँ लक्ष्मी का नंबर आया। जब नंबर आया, बोले आपको क्या चाहिए, बोले मैं मांगूंगी लेकिन पहले आप संकल्प करो। बोले संकल्प, एक व्यक्ति पहले मेरे को संकल्प कराया था, कभी संकल्प कराया था, ये दूसरे व्यक्ति संकल्प कराने के लिए आई। बोले बैसे मांगो, बोले बैसे नहीं हम मांगते हैं, पहले संकल्प करो। हाँ, तो उन्होंने संकल्प किया। जब संकल्प किया, बोले देखो हमारा पास में तो प्रभु का कृपा से सब ठीक ठाक है, लेकिन एक दरवान की कमी है। लेकिन हमने देखा तुम्हारी एक बहुत बढ़िया अच्छा दरवान है, ये दरवान को मेरे को दे दो। बलि महाराज तो समझ गए ये कोई साधारण नहीं। बोले आप पहले ये बताओ, आप है कौन, आप कौन है बताओ। इतने में फिर लक्ष्मी अपना स्वरूप को प्रकट करती है, स्वरूप को प्रकट की। इतने में बलि महाराज कह रहे हैं, कहा देखो प्रभु को तो हम दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए प्रभु आप एक स्वरूप में जाओ और यहाँ पर एक स्वरूप में रहो। तब श्री वामन देव का हाथ को ला करके बलि महाराज लक्ष्मी को हाथ में देते हैं। इसलिए यहाँ क्या दिखा रहे हैं, बोले किसको दान दे रहे हैं, बोले त्रिभुवन जो मालिक है उनको दान दे रहे हैं। मतलब ये बलि महाराज कितने बड़े, हाँ त्रिभुवन का जो मालिक को दान दे रहे हैं। बोले किसको दान दे रहे हैं, बोले विश्व ब्रह्मांड को जो देने वाली माँ लक्ष्मी तो दुनिया को देते, खाना पीना कौन देती है, लक्ष्मी देती है दुनिया को, वही तो खिलाने वाली। लेकिन सारा दुनिया जिसको पास में हाथ पसारते हैं उनको दान दे रही है। बोले क्या दान दे रहे हैं, बोले छोटे मोटे चीज दान नहीं दे रहे हैं, वो विश्व ब्रह्मांड का मालिक को उनका हाथ में दान दे रहे हैं। इसलिए बलि महाराज से दानी जगत में कोई नहीं जो कि भगवान को दान माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री वामन देव की, हिताई गौर ब्रह्मानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे, बोलो सब पीछे पीछे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare krishna 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 hare hare।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Bola, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Radha Ramana Govinda jaya jaya Radha Ramana Govinda Anitai Gauranga Jaya Anitai Gauranga Anitai Gauranga Jaya Anitai Gauranga Ajay Sachinandana Jaya Gaura Hari Jaya Sachinandana Jaya Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bola, Hare Krishna, Hare Krishna, Bola, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bola, Hare Rama, Hare Rama. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bola Hare Krishna, Hare Krishna. Bola Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bola Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Thank you.
साई गौर प्रेमानंदे।